हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एनालिटिक फंक्शन पर स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हमने देखा था। आज हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं जिसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है ए टू द पावर जेड। हमें प्रूव करना है कि एनालिटिक है, साथ ही इसका डेरिवेटिव भी हमें फाइंड आउट करना है। अब डेफिनेटली एनालिटिक है तो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, और जब डिफरेंशिएबल है तो हर उसका डिफरेंट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। वो डेरिवेटिव हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो एनालिटिक है तो इसके लिए हम कॉची रीमान इक्वेशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे, जिसके लिए हमें यू और वी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हमें गिवन फंक्शन से ही मिलेगा। यानी फंक्शन को हम यू और वी की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे, जिससे कि रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके हमें यू और वी मिल सकता है। सो देखें, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड। जेड के लिए हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। इनको हमने सेपरेट किया ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर आयोटा वाई। ई टू द पावर एक्स को हम एज इट इज रखेंगे और ई टू द पावर आयोटा वाई को हमने लिखा कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, दैट इज ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू द पावर एक्स साइन वाई। तो यहाँ से हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को देखा। अब इसको कंपेयर करें एफ ऑफ जेड, सिंस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू हम डब्लू लिखते हैं, और डब्लू को क्या लिखेंगे, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। इसको दे देते हैं हम सेकंड, ये जनरल वे में हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इसको। सो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हमें यू मिलेगा, यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई एंड वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन वाई। कॉची रीमान इक्वेशंस हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो हमें यू का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है। इन द सेम वे हमें वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है। सो यहाँ से हम लेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब हम यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे, तो y का जो टर्म है वो एज ए कॉन्स्टेंट कंसिडर किया जाएगा। x का एक ही फंक्शन है ए टू द पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर x ही मिलेगा, और cos y यहाँ मिलेगा हमें एज इट इज। फिर डेल यू अपॉन डेल y को हम लेके चलें, सो cos y आ जाएगा ए टू द पावर x एज इट इज, और cos y का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा sin y। फिर डेल v अपॉन डेल y हम देखें, that is e to the power x sin y and del, sorry, ये आएगा cos y, sin y का differentiation cos y and del v upon del x करेंगे तो ये हमें मिलेगा e to the power x sin y। अब आप देख सकते हैं कि del u upon del x and del v upon del y सेम आ रहा है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, दैट इज ई टू द पावर एक्स कॉस वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, दैट इज ई टू द पावर एक्स साइन वाई। ये रिजल्ट हमें मिला है, तो कॉची रीमान इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं। Hence, Cauchy Riemann equations are satisfied. That is, function f of z is analytic. अब उसके बाद हमें इसका derivative भी बताना है। It means हमें f dash of z calculate करना है। वैसे तो सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि e टू द पावर z का डिफरेंशिएशन e टू द पावर z ही मिलेगा, बट हमें इस प्रोसीजर से इसको डिफरेंशिएट करना है। सो देखें, सिंस एक फॉर्मूला है f डैश ऑफ z के लिए, दैट इज डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। जब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डेल u अपॉन डेल x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज e टू द पावर x cos y एंड आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स।
यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आई है e टू दी पावर x साइन y। हम देख सकते हैं कि e टू दी पावर x को कॉमन लिया जाएगा, सो ये क्या मिलेगा हमें, cos y प्लस आयोटा साइन y। एंड e टू दी पावर x इस टर्म को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा y, और दोनों का बेस सेम है e, तो इसको लिखेंगे हम e टू दी पावर x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा वाई हम जानते हैं क्या मिलेगा हमें, e टू दी पावर z। सो हमने देखा यहाँ पर कि जो फंक्शन है e टू दी पावर z, उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है, e टू दी पावर z, और नॉर्मली भी अगर इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेम मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें मिला है वो ठीक है। सो इस तरह से हमने चेक किया कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, उसके लिए कॉची रीमान इक्वेशंस हमने सेटिस्फाई करवाई, और इस फॉर्मूले को यूज़ में लेते हुए हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।